शिट, पानी गाड़ी के अंदर आ रखा है यार। गर्मी तो इतनी बढ़िया हो रही है ना, मतलब सुबह इतना बढ़िया मौसम था, जो घूम के आए हैं हम, और वो वाले वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे, बट रियल टाइम में मैं उनको अब एडिट करने बैठ रहा हूँ। अभी 9 बजने वाले हैं घर, रात के, शनिवार है। तो दिन में इतना ज़बरदस्त मौसम था, मतलब यहाँ से लेकर ऋषिकेश से फिर इथार नाम गए थे आगे, इतना बढ़िया मौसम था। लेकिन जब वापस आए, वापस हरिद्वार पहुँचे, तो भाई बेकार मौसम। और ऐसा ना बिल्कुल पिछले साल भी ऐसे ही होता था कि रात को तो बादल पता नहीं कहाँ से आते थे, बारिश हो जाती थी, और फिर वही दिन में दिमाग ख़राब हो जाता था, मौसम ख़राब। कल अभी तो वीडियो एडिट करना शुरू करता हूँ और डालता हूँ, आज शनिवार है, रात को डाल दूंगा वीडियो, एक फिर कल एडिट करके डाल दूंगा। और अगर कल कहीं घूमने गए तो कम से कम इस हफ्ते के 3-4 वीडियो मेरे पे आ जाएंगे, फिर अगले हफ्ते देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, ये सीन है। बारिश का मौसम है क्या? हाँ यार, बादल तो बने हुए हैं फिर से हैं। चलो देखेंगे। हाँ यार, अगर छिपकली आ गई इनके अंदर घुस गई फिर क्या करोगे? कल जूतों को नीचे फेंक के उठाएंगे। और अगर हाथ पे आ गई छिपकली तो होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे बहुत डरते हो छिपकली से आप। कर क्या होगा, चिल्लाएंगे थोड़ी देर के लिए, छींचा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। टिड्डा आ रखा है। अब टिड्डे से भी डर लग रहा है? नहीं, भगाना है उसे यार, अंदर घुस जाएगा। कैसे भगाओगे? ये लोगों के घर में आ गया, चावल गर्म हो गए, इतनी कड़क कर दी। कमरे में घुस गया पानी? देख इधर आके, देख कमरे में, देख। गौरव को कह यही हाल रहेगा ना, देख जरा कमरा ऊपर तक भरा पड़ा है, देख। और ये देख बैठा है, ये अभी मतलब वहां तक पहुंच गया था पानी। हाँ, पूरी गली में पानी जो है ना, लोग घर तक घुस चुका है। और 10 मिनट बारिश होगी तो अंदर ही आएगा पानी, अंदर ही आएगा। तो आ ही गया अंदर, दोनों कमरे में भर गया पानी, बस थोड़ा थोड़ा रह गया पानी, वरना अंदर ही जाता। अब तो मेरे ख्याल से कम हो रहा है पानी, कम हो रहा है ना पानी। ये भाई अभी ये बनी है गलियां हमारी। अंकल आपके उधर भी पानी घुसा है? अच्छा ना। ओहो भाई यार, कल ही मैंने गाड़ी यहाँ लाके खड़ी करी है, पानी यार गाड़ी पे तो काफ़ी पानी आ गया है, गाड़ी के टायरों तक पानी तो है, मतलब ज़्यादा तो पता नहीं अब क्या करूँ। हमारा घर तो फिर भी बचा हुआ है, लोगों के ना घरों के अंदर तक नहीं, हमारे ना घर तो बहुत साइड ओपन है, तो लोगों के घर के आर पार हो गया पानी। मैं जाके देखना चाहता हूँ कि ये आगे हो कहाँ से रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि छोटी नहर जो है ना, उसका पानी लीक हुआ है शायद। हमारे यहाँ ना एक छोटी नहर है, मतलब छोटी नहर जो ना वो ओवरफ्लो हुई है, उसके चक्कर में सारा जो पानी ना हमारे मोहल्लों में घुसा है। मैं वहीं जाके देख रहा हूँ छोटी नहर वाकई में ओवरफ्लो हो रही है क्या। नहीं यार, छोटी नहर तो ओवरफ्लो नहीं है। किसको फोन कर रहा है? उधर भी पानी भरा है क्या भाई? बहुत। ये देखो परेशान, सड़कों ही घूम रहा है सड़कों पर यार। ये कोई कह रहा था नहर का पानी ओवरफ्लो हुआ है, नहर का पानी तो सही है। अरे तेरे पास लेटेस्ट वीडियो अपडेट चाहिए, रुको रुको रुको, ये दोस्त परेशान घूम रहा है। तो नहर का पानी ओवरफ्लो होता है तो ये तो अंदर है अब? अरे अभी तो भाई अंदर है। अच्छा, तेरी नींद से लेट भूली। अरे मम्मी ने फोन किया कि पानी आ गया सारा, तब मैं उठा ना, वीडियो बना के डाल।
चल बैठ घूम के आते भाई वहीं वहीं चलियो जहां तक स्कूटी जा पाए। ये है जी जो छोटी नहर है, ये ओवरफ्लो थी क्या अभी भाई? बहुत तगड़ी अभी वीडियो भेजूंगा ना तेरे को मैं, वास्तु वाले तो ये। अच्छा यार ये क्या आफत आ गई हमारे घर के आसपास ना? नहीं अब तो आफत कितनी हो गई, और अभी 4-5 दिन की बारिश है, और अगर ये बारिश लगातार चलती रही तो क्या होगा? देखे 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 गाड़ी के पानी, गाड़ी की तो चल मेरी, अब जाके थोड़ा कम हुआ है पानी लग रहा है, थोड़ा कम हुआ है। लोगों का पैसों का कितना नुकसान हो गया यार। ये देखो एक वार्ता बैठी, कुल मिला के हम अपनी कॉलोनी में घुस नहीं सकते, हम सबके मकान यहीं आसपास ही हैं। सामने दोस्त आ रहा है हमारा कल, जिसके साथ अब दाल कुलचे खाने गया था मैं। अबे नाव कहाँ है तेरी? तेरी नाव कहाँ है? देख भाई एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे घर में पानी घुसा? तेरे घर में भी घुसा है? तेरे घर तो हाई नहीं है, वो बिल्कुल आस पास सीवर लाइन में बैग मारा है वो। दाल कुलचे लेके हम जा रहे हैं कंटेंट ढूंढने भाई, देख स्कूटी में कोई दिक्कत आई भाई? देख मैं 200 ऊपर चला नहीं पा रहा, जो बात है भाई मेरी गुंजाइश नहीं है 200 ऊपर की। तेरे बैठे हैं ना स्कूटी पे कई साल के बाद, साल के बाद बैठे हैं। अबे कल ही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा सागर को बुलाते हैं, यहां चल जाएगी और वो हरिद्वार की जान है। चलो ना गाड़ी वालों, चलो चलो नहीं देना भाई साहब, वो देखो स्कूटी की वो थर्माकोल है वो उठा के ला बैठ के चली गई थर्माकोल में। लो जी ये भी भर गया पानी, यहाँ जेसीबी खुदाई कर दी है, जेसीबी देख लीजिए कवर कर कवर कर यार, ये हमारा राइट है, ये हमें संविधान में लिखा हुआ है। लो जी ये तो यहीं से पानी भरा पड़ा है, अब तुम जा ही नहीं सकते कहीं भाई साहब। वो वैगनआर देख यार वो कहाँ फंसे, चल चल बाइक वाला डेरिंग है सेंसर पर ना, क्या होता है ये पानी गया सेंसर में। बस 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 नहीं 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 जा रहा है 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 बस बस सुबह जा रहा है जा रहा है जा रहा है। भाई वो ले गया यार बाइक, ओ गुरु चला गया, ओ गुरु ओए ओए डगमगा रहा है भाई, स्कूटी वाला भी गया, कहां जा रहा है कहां जा रहा है कहां जा रहा है ये तो बक्का बंदा, ये गया ये गया ये गया। बार, 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 बार। चल भाई वापस घुमा ले तू, आधा चौड़ा हो रहा था वो तो परेशान। बाइक वाले तो कैसे जैसे कहीं तक चला गया, ये अटक गया बाइक वाले। अरे नहीं जा पाओगे अंकल जी, तुम कैसे जाओगे? लो भाई फाइनली देखते हैं, तो ये अमेरिका वालों ने काम किया ना, बड़ा खराब काम किया है, तो इन्होंने इंटरनेट से पेमेंट का सिस्टम बना दिया। अब जिसको पता नहीं इसके पास फोन है तो पैसे तो होंगे ही, पैसे तो होंगे ही, गूगल पे तो चलाता ही होगा, गूगल पे तो चलाता ही होगा। अब देखते हैं कुछ खाते भी हैं और फिर निकलते हैं घर यहाँ से। अभी छोले भटूरे बना रहा हूँ, वो चप्पल चप्पल मोबाइल की टेंशन नहीं है भाई। अरे मोबाइल तो हम पकड़ लेंगे इसका यार। भाई साहब आज तो
मतलब हद हो सकती है। अभी आधे घंटे पहले हम लोग गुस्सा हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि घर में पानी घुस गया, आपको पता है नेताओं को, और हम क्या कर रहे हैं, छोले भटूरे खाने रखे। टाइम क्या हो गया, 8:33। वैसे टाइम तो खैर नाश्ते का ही है, लेकिन ये नाश्ता जो है ना बारिश की वजह से पॉसिबल हो रहा है, और हम तीन मजेदार नाश्ता होगा। हम तीन मिले भी बारिश की वजह से ही, अगर बारिश ना होती तो ना आ पाते ना साथ में। वो भी क्या यार, मैंने स्कूटी घर से बाहर निकाली तो तू मिल गया, तू और मैं मिल गया, कुदरत ने भाई, यार तो कुदरत नहीं मिला है, एक ही मोहल्ले में, उसके बाद नहीं मिल पाते। तेरा तो वही हिसाब हो गया, हाथ को आया मुना लगा भाई के घर में आज हवन है, इसको भी याद आया, और याद इसने दिलाया था कि यार छोले भटूरे खा लेते हैं, अब इसके मुंह नहीं लग रहे, लेकिन चल कोई बात नहीं यार। याद कर वो मोमोज की प्लेट जो कब आई कब गई पता नहीं लगा, साथ वालों का भी खा लिया, जो भी तो वो सामने वाला बंदा डाल ही रहा था वो तो बेचारा, ये उनकी प्लेट से भी उठा लेता था, वो तो बेचारा अपनी सेटिंग कर रहा था अपना हिस्सा खाने के बाद, ये दूसरों के प्लेट से भी उठा लेता था, ये जो वीडियो बना रहा है वो भी, उन दोनों कैसे थे शरीर पर मेहनत करी। दूसरों की प्लेट के जो मोमोज होते थे ना, पहले तो हमने खा लिए, दूसरों की प्लेट से छीन छीन के खाए, और उसमें अक्सर फंसते थे दो एक लोग जिनको भी कभी वीडियो बनाएंगे हम। भाई मुझे तो लगता नहीं कि आज बारिश बारिश रुकने वाली है कहीं से भी, अब निकल गया पानी, सुबह जो पानी इकट्ठा हो रखा था ना, अभी बताता हूँ आपको, बाइक धुलेगी अपनी, बारिश के पानी से धुलेगी बाइक, डाउट है कि पानी गाड़ी के अंदर तो नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत देर तक ना पानी काफ़ी ऊपर तक था, मेरे को लगता तो नहीं खैर पानी गया होगा अंदर, पर एक बार चेक कर लिया जाए, पर बारिश होगी कि तभी चेक करेंगे, कि अब तो अगर गया भी होगा पानी तो अब तो कुछ कर नहीं सकता मैं उसका, और फिलहाल इतना ऊपर पानी है नहीं, तो अब जब बारिश रुकेगी ना तभी देखेंगे। अबे यार शिट, पानी गाड़ी के अंदर आ रखा है यार, बात का डर था मेरे को यार, सुबह जो बारिश हुई है ना उसमें देखो पानी कितना गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है यार, शिट, अब इसे मैं निकालूंगा कैसे मुझे तो ये भी नहीं पता, और इतनी गंदी स्मेल गाड़ी में हो रखी है क्या बताएं भाई साहब। दिन में ना मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, पर मैंने कहा नहीं यार गाड़ी के टायर ही भीग रहे हैं तो शायद गाड़ी के अंदर तो पानी नहीं जाएगा, और उसके बाद मैं भूल गया, धूप निकल गई मैं भूल गया कि गाड़ी भी देख लेता एक बार, और आपने देखा ये अभी पूरा देखो यार यहाँ से, अब पता नहीं इस पे शायद नीचे गाड़ी के नीचे पानी निकलने की ज़्यादा जगह होती नहीं शायद, अरे यार गाड़ी इतनी गंदी स्मेल मार रही है ना, स्टार्ट तो हो गई भाई, मैं बड़े मजे से घूम रहा था, मैंने तो बोला ही था चेक कर लो यार, मैं भूल ही गया, और मुझे शक तो था ही कि पानी गया हो सकता है, बट फिर मैं भूल ही गया, दिमाग से ही निकल गया मेरे कि चेक कर लो एक बार गाड़ी, और अगर तब भी मैं चेक करे तो क्या ही कर लेता क्योंकि उस समय तो बारिश हो रही थी, अब चेक किया फाइनली तो ये निकाल रहा हूँ पानी, गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना भाई, दिक्कत पता क्या है, एक तो चूहे जो थे ना गाड़ी में उन्होंने गंदगी मचा रखी थी, और ऊपर से आज पानी इतना इकट्ठा हो गया तो बस वो गंदगी क्या बोलते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स के अंदर ही हो गंदगी हो गई गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का ना हीटर भी काम नहीं कर रहा, गाड़ी के सारे दरवाजे खोलने हैं और पूरा एयर का फ्लो देना है गाड़ी के अंदर, यार हीटर चलाने के लिए इसको रेड पे करना होता है, और क्या एसी भी खोलना होता है क्या, चलो खोल देता हूँ,
बाकी तो साफ कर रही है गाड़ी, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे रह गया है और आगे तो दोनों जगह पानी ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन जो पीछे है ना वहाँ पानी बार बार इकट्ठा हो रहा है। पानी वहाँ मैंने कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ देखो यहाँ बार बार इकट्ठा हो रहा है पानी, पीछे की साइड ज़्यादा गया है पानी, बाकी आगे नहीं है, आगे सफाई हो गई है। मतलब भाई गाड़ी मैंने लगा दी है और वहीं लगाई है जहाँ सुबह लगी हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब बारिश अगर होगी तो शायद दोबारा पानी नहीं आएगा। और पानी है, अगर बारिश इतनी होती भी है तो नहर का पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आज उन अधिकारियों को शिकायत की गई है, क्योंकि हमारा जो छोटी नहर ना, जो भी आपने वीडियो में देखी होगी, वो नहर जो है वो अगर बरसात ज़्यादा होती है तो वो ओवरफ्लो कर जाती है, तो वो ओवरफ्लो होने के बाद सारा ढाल एक साइड में है तो कॉलोनी के सब घरों में पानी घुस जाता है। लकीली हमारे घर में पानी नहीं घुसा, लेकिन गाड़ी का थोड़ा नुकसान मतलब गंदगी वगैरह होगी उसमें, और अच्छा हुआ कि मैंने देख ली शाम को, वरना तो मैं फिर अगर दो तीन दिन बाद देखता तब तक शायद ज़्यादा नुकसान हो जाता। भाई बस सब संडे ख़त्म, कल मंडे और कल से अपना काम शुरू।